उत्तराखंड विधानसभा प्रदेश का सर्वोच्च सदन है। इसकी गरिमा को बनाए व बचाए रखना मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से प्रदेशवासियों को और खास तौर पर उत्तराखंड के युवा वर्ग को कहना चाहूंगी, वह आश्वस्त रहें, मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी और सबके साथ न्याय होगा। मेरे लिए सदन की गरिमा से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसको बनाए रखने के लिए कितने ही कठोर व कड़वे निर्णय लेने हों, मैं पीछे नहीं हटूंगी। विधानसभा परिसर लोकतंत्र का मंदिर है। अध्यक्ष होने के नाते किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अनुशासनहीनता मुझे स्वीकार्य नहीं है। विधानसभा व प्रदेश के हित में मुझे जितने भी रिफॉर्म्स विधानसभा में करने पड़ेंगे, मैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार हूं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं। मीडिया व अन्य विभिन्न स्रोतों से विधानसभा सचिवालय में कार्मिकों अधिकारियों की विधि एवं सेवा नियमों के विरुद्ध नियुक्तियों पदोन्नति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में मैंने आज दो बड़े निर्णय लिए हैं। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेन्द्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के व इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम एक माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दूसरा निर्णय यह है कि वर्तमान विधानसभा सचिव श्रीमान मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। उक्त अवकाश की अवधि में विशेषज्ञ समिति श्री मुकेश सिंघल सचिव को जांच में सहयोग हेतु उपस्थित होने के लिए जब जब कहेगी, तो उन्हें इन निर्देशों का पालन करना होगा। मेरा सार्वजनिक जीवन की जो शुरुआत हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हुई है। मुझे याद है उन्हें कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसी ध्येय को मैंने भी जीवन में उतारा है और मैं आप सबको, आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के वासियों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि जो भी रिपोर्ट मुझे समिति देगी उसको हम कड़ाई से उसका पालन होगा, ईमानदारी से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका हम उसको लगाएंगे, लागू करेंगे। इसमें दो फेजेस हैं, एक 2000 से लेकर 2011 तक है, क्योंकि तब तक हम उत्तर प्रदेश की नियमावली फॉलो कर रहे थे, और उसके बाद 2012 से हमने अपनी नियमावली बनाई और उसके बाद 2000 से 2022 तक। तो हम